हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब कि टाइम के साथ हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर मैं वेलोसिटी का डायग्राम देखता हूँ तो कुछ इस टाइप से बनता रहता है, जो कि एक स्लोप होता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है वेलोसिटी और टाइम में। और अगर मैं एस और एम का ग्राफ देखता हूँ तो कुछ इस टाइप से हमारा बनता है, जो कि होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट हो तो उस समय वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो हम यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले सेकेंड इक्वेशन का, जो कि मोशन की सेकेंड इक्वेशन है न्यूटन की, वो एलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलेशन मेथड से हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ्स की भी मदद लेंगे, एलजेब्रिक मेथड में हम देखेंगे कि डायरेक्ट जो एक कंसेप्ट होता है उसके बेसिस पर हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और कैलकुलस मेथड में हम देखेंगे कि एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशंस का यूज करके हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन नहीं देखी है डेराइव करनी, तो वो पहले देख ले, उसके बाद ही हम यहाँ पर आएंगे दूसरी वीडियो देखें, ताकि आपको आसानी हो समझने में। एलजेब्रिक मेथड जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि एक फोर्स लगा रहा है ये बच्चा इस ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक नीचे रखा हुआ है, और क्या करता है, ये ब्लॉक हमारा एक्सेलरेशन ए से चलने लग जाता है। ठीक है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी आएगा उसके पास। मान लिया कि ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है, और टी इक्वल टू जीरो पे मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी पहले से जो थी, जब फोर्स नहीं लगा रहा था उस समय की बात कर रहे हैं, तो वो यू थी। फिर इसने फोर्स स्टार्ट किया तो उससे इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और एक टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यू इक्वल टू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, v इक्वल टू हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और a यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन है, t यहाँ पर हमारा फाइनल टाइम है। ठीक है, किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, फाइनल टाइम, और इनिशियल टाइम हमारा यहाँ पर जीरो लेकर चल रहा है, क्योंकि जिस समय हम देखना स्टार्ट करते हैं वही हमारा इनिशियल टाइम होता है। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को, और सेकेंड इक्वेशन क्या होती है हमारी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, और इसी को हमें डेराइव भी करना है। तो कैसे करने वाले हैं हम क्या करेंगे, मदद लेंगे एक कंसेप्ट के, और कंसेप्ट क्या हमारा, हमें पता है कि जो हमारा डिसप्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। डिसप्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम टू टाइम। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, हमें पता है इसके बारे में। अब हम क्या करने वाले, इस कंसेप्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एस, और वी वेलोसिटी है तो हमारा वी लिख देता हूँ, और टी लिख देता हूँ टाइम। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो क्या है, कि टाइम के साथ चेंज भी हो रही है, एक्सेलरेशन हमारा कॉन्स्टेंट है, तभी ये इक्वेशन लागू होगी, तभी ये इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन कब ड्राइव कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, ये कंडीशन होती है, ए इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होना ही चाहिए। ठीक है, इस मेथड के लिए। अब हमारा यहाँ पर अगर चेंज हो रहा है, और लिनियरली चेंज हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट हमारा एक्सेलरेशन है, तो उस समय हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू वी एवरेज लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए v तो यहाँ पर दिखाई नहीं सकता मैं कुछ, कि v है यहाँ पर कुछ, तो मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, एक टाइम t में मुझे एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, और t से गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। अब अगर आगे इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता है कि v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, v इनिशियल प्लस का v फाइनल डिवाइड बाई 2। तो v इनिशियल क्या है, u प्लस का v डिवाइड बाई 2, तो ये v एवरेज हो गया हमारा, जो कि वेलोसिटी का एवरेज ले लिया मैंने, इंटू। अब इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के लिए मुझे s इक्वल टू यू प्लस का, देखो मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर कहीं पर भी v नहीं है, a है, a की कोई दिक्कत नहीं है, s है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, u है, t है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन v नहीं है। v मुझे पता है कि इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू, ये मुझे पता है कि v इक्वल टू यू प्लस का ए टी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो इसी का यूज करने वाला हूं, तो यहां पर मैं रख देता हूं कि v इक्वल टू यू प्लस का ए टी रख देता हूं। ठीक है, और यहां पर डिवाइड बाई 2 कर देता हूं, और ये टाइम जो बचा था इसको t से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब बस हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमारा आंसर भी आ जाएगा, s इक्वल टू क्या होता है, ये क्या हो गया, u बाई 2 मैं अलग से लिख देता हूँ, सॉरी u ये कितना हो गया, 2u हो गया, और ये प्लस का ए टी हो गया, तो 2u, और ये t अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये
टी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अंदर ही मल्टीप्लाई करते जा रहा हो, टू यू हो गया और ये टी बाहर का मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस का ये कितना है, ए टी है, ए टी, और ये टी से मल्टीप्लाई किया तो ए टी स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई हमारे पास टू है ही पहले से। इसको अगर आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, इसको यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो एस इक्वल टू, अगर यू टी, ये टू यू टी डिवाइड बाई टू हो जाएगा तो ये यू टी बन जाएगा, और प्लस का कितना बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू ए टी स्क्वायर, वन बाई टू ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन डेराइव हो चुकी है यहाँ से, सेकेंड इक्वेशन। ये कैसे किया है हमने, एलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं वाले है? इसको हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम का कंसेप्ट लगा के हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया। आपको याद ऐसे ही रखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी की जगह वी एवरेज रखा था और इसके बाद कैलकुलेट करके यहाँ पर हमने ड्राइव कर लिया था। अब सेकेंड मेथड क्या होगा कि हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ पर यूज करने वाले हैं और उसको यूज करके ये इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड पे वही करने वाले हैं, टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी होगा यू ले लिया, टी इक्वल टू टी टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी हमने वी ले लिया, एक्सेलरेशन यहाँ पर अगर ये फोर्स लगा रहा है तो उसकी वजह से मान लिया कि एफ इक्वल सॉरी ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो ही सेम कंडीशन होगी। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, टी इक्वल टू जीरो पे देखो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है, तो टी इक्वल टू जीरो ये टाइम है हमारा इस तरफ और ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, तो अगर टाइम हमारा जीरो तो उस समय हमारी कोई ना कोई वेलोसिटी मान लिया कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हमने ले लिया यू, ठीक है। उसके बाद हमारा धीरे धीरे चेंजेस हुआ वेलोसिटी में और वो बढ़ती चली गई एक्सेलरेशन की वजह से, तो वो बढ़ता चला गया धीरे धीरे एक्सेलरेशन, और एक टाइम ऐसा आया टी टाइम पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया, वी हो गया, तो टी टाइम पर वेलोसिटी वी हो गया। अब हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, मुझे फिर से वही कंसेप्ट यूज करना पड़ रहा है, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये तो मुझे पता ही है, वेलोसिटी इंटू, अब मुझे पता है कि देखो इस कंसेप्ट से मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, यहाँ पर एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ और एक कंसेप्ट निकाल सकता हूँ, और वो कंसेप्ट मेरा क्या होगा कि अगर मेरी डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी और टाइम का मुझे यहाँ पर एरिया, एक तरह से ऐसे बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी इंटू टाइम करना पड़ता है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ये वाले कि यहाँ से और यहाँ तक कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एरिया हमारा, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर ये एरिया कैलकुलेट कर देता तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे। तो डी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी हमारा क्या है, मैं ये कह देता हूँ ओ ई बी डी, ओ ई बी डी, अगर ये एरिया मिल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ये ग्राफिकल मेथड भी है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, मैं इसको दो पार्ट में तोड़ लेता हूँ। दो पार्ट में क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो ऊपर वाला हमारा ये क्या है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है, और ये वाला एरिया है हमारा क्या है, एक आयत कह सकते हैं हम, उसका एरिया है, ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, ये हमारा ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पर, डी ए, डी ए किसके बराबर है, 0 से t तक है, तो ये अगर टाइम में देखो तो 0 से t, तो t यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये a और ये क्या है b, अगर ये देखता हूँ तो ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर, ये है हमारी वेलोसिटी का v माइनस का u, v माइनस का u, तो v माइनस का u, ये तो मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ ओ डी ई ए, तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, ये वाला जो एरिया है वो कितना है, ये वाला तो टाइम हो गया टी, टाइम इंटू 0 to u तक हमारा क्या जा रहा है यहाँ पर, ये वाई एक्सेस जा रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, 0 to u, तो मतलब u, और 0 to t मतलब कि t। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, और ये क्या है माइनस का यू टी, या फिर ये वी की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, देखो मुझे ये तो पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो वहां पर वी तो कहीं पर भी नहीं आता, यू आता है टी आता है लेकिन वी नहीं आता है उस इक्वेशन में, तो मुझे वी को रिप्लेस करना पड़ेगा, और वी को रिप्लेस करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस का ए टी, तो यू प्लस का ए टी यहीं पर रख देता हूँ मैं, और माइनस का यू प्लस का यू टी, ठीक है। यहाँ से क्या आया कि मेरा यू से तो यू यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 1/2 ए यहाँ पर है, और ये टी और टी मल्टीप्लाई होकर ए टी स्क्वायर बन जाता है, और प्लस का यू टी यहाँ पर है ही, और ये हमारा
एस निकल के आ जाता है, या डी जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये डी की जगह में डिस्टेंस है तो एस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फिर से ड्राइव कर दी, और वो कौन से मेथड से किए मैंने, ये किए है मैंने ग्राफिकल मेथड से। तो मुझे ग्राफ का एरिया अगर कैलकुलेट कर, एरिया अगर मिल जाए तो मुझे यहाँ पर आसानी से इसका डिस्टेंस भी मिल जाएगा कितना कवर किया है उसने, ठीक है। तो सिंपल रखना है इसको, तो ये हमारा कंसेप्ट है और इससे हमें डेराइव करके ये लाना है। अब मुझे थर्ड इक्वेशन कैलकुलस मेथड से अगर मुझे कैलकुलेट करना है, थर्ड मेथड जो कि है हमारा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब हम जब एक्सेलरेशन अगर हमारा कॉन्स्टेंट नहीं होता तब भी ये यूज कर सकते हैं। वो दोनों मेथड कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, और ये कैलकुलेशन मेथड या फिर इंटीग्रेशन मेथड भी हम इसको बोल देते हैं, जो कि हमारा मेथड है जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट ना हो तब भी यूज में हो सकता है ये, ठीक है, तब भी काम आ जाता है। तो इसलिए एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या करेंगे कि फिर से वही यू टी इक्वल टू जीरो पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया, टी टी टाइम पर हमारा वी फाइनल वेलोसिटी हो गया है, और ये फोर्स लगा रहा था, और एक्सेलरेशन यहाँ पर ए मीटर पर सेकेंड इसकी वजह से आ रहा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डी एस बाई डी टी होता है, ये तो मुझे पता है, ये मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसी से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी, और इसी से हमारा फॉर्मूला भी डराइव हो जाएगा। मैं क्या करूँगा कि डी एस इक्वल टू वी डी टी कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लिमिट रखनी पड़ेगी, और डी एस इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पर लिमिट कैसे रख रहा हूँ, किसी टाइम पर जब हमारे यहाँ पर टाइम जीरो था, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट था, उस समय बिल्कुल स्टार्ट किया था तो उस समय का डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो ही है, लेकिन जब टाइम टी हो गया तो उस समय का डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, ये यू सॉरी एस हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो वी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वी की जगह फिर से मैं कह रहा हूँ कि वी हमें यहाँ पर चाहिए ही नहीं, इसके लिए मुझे यू प्लस का ए टी रखना है, जो कि हमने पिछले दो मेथड में भी किया है। ये डी टी हो गया, और ये जीरो टू टी हो गया लिमिट हमारा, और ये जीरो टू एस हो गया, और डी एस हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर टाइम का भी वेरिएशन होता, एक्सेलरेशन का वेरिएशन होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ पर रख सकते थे उसकी इक्वेशन और कैलकुलेट कर सकते थे इंटीग्रेशन। तो इसीलिए मदद करता है ये अगर हमारा एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट नहीं होता है तब। तो ये कितना हो जाएगा, एस माइनस का जीरो इक्वल टू एस ही आ जाएगा ये तो, और ये कितना आ जाएगा, यू है यू डी टी, तो यू डी टी देखो अंदर मल्टीप्लाई करता है यू डी टी, और ये जीरो टू टी तक इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, यू डी टी जीरो से टी तक प्लस का ए टी डी टी, और ये जीरो से टी तक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एस इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आता है यू डी टी है, तो यू हमारा कॉन्स्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, और डी टी का जगह टी आ जाएगा, और टी की लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, जीरो से टी। प्लस का यहाँ पर कितना आ गया, ए हमारा कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, अगर वेरिएशन भी होता तब भी हम वो रख सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तभी हम न्यूटन्स की सॉरी मोशन की सेकेंड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। टी अंदर है तो टी डी टी है, तो टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और ये टाइम हमारा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, जीरो से टी तक। अब मैं लिमिट रख देता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो बस अब कैलकुलेशन बची है यू, और ये टी माइनस का जीरो तो टी ही आ जाएगा, प्लस का ए तो हमारा वैसे का वैसा ही रहने वाला है, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो टी रखूंगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा, जीरो रखूंगा तो जीरो ही आएगा, तो टी स्क्वायर बाई टू ही हो जाएगा ये भी, टी स्क्वायर बाई टू। तो इसको ठीक से लास्ट बार लिख देता हूँ मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था, ये आया था, हमें पता होना चाहिए कि एस वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, फिर इसका इंटीग्रेशन किया और लिमिट रखी, और उसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो ये थर्ड मेथड था, और तीनों ही मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मेथड है। अगर आपको ये आता है, इसका मतलब है कि आप आसानी से अगर हमारा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं हुआ तब भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना अगर आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ के टाइम पर आप सिर्फ एरिया कैलकुलेट करें, और अगर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एलजेब्रिक मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना है, उस समय डिस्प्लेसमेंट का वी एवरेज लेकर और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, और सीधा डेरिवेशन हो जाएगा।
तो ये थे हमारे सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन आपको देखने हैं तो वो पहले यहाँ पर लिंक में वीडियो डाल रखी है, उसके उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आई होप आपको कहीं भी एक साथ तीनों डेरिवेशन नहीं मिलते, इसलिए मैंने तीनों डेरिवेशन एक साथ समझाए ताकि तीनों में कंपेयर हो सके और आसानी से आपको समझ में भी आ सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।